बजाओ ढोल स्वागत में, जी है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी करो, पर्वत पे लगे सैया तेरी। देखिए उत्तराखंड में जब जब चुनाव हुआ है तब तब मैं उत्तराखंड के युवाओं से बात करता हूं और खुद आकर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत को पहचानें, अपने वोट की ताकत को पहचानें और बड़ी से बड़ी मात्रा में आकर के वोटिंग करें। मैं युवा से ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का युवा आज की डेट में देश विदेश में जा करके मेहनत करके और कड़ा परिश्रम करके रिजल्ट्स ला रहे हैं, और उसी तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे युवा हैं जो स्टेट में आगे आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आगे आ रहे हैं क्योंकि सही निर्णय सही वक्त पे लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं आज सब युवाओं से बात करने आया हूँ, समझने आया हूँ क्या सबके मन में है, क्या चल रहा है और सब कैसे हैं। पहली बार यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला और ये बताना चाहता हूँ कि हर चुनाव बहुत ज़रूरी है और इस चुनाव में भी पूरी ज़ोरों शोरों से वोटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा एक वोट है उससे क्या होगा, लगता है बूंद बूंद से सागर बनता है। और बस यही मेरा एक संदेश मिले। धारी देवी मंदिर के लिए तो मैं आज मैं यही कह रहा हूँ कि मैं धारी देवी की भूमि में आया हूँ और यहाँ जैसे ही मैं पहुँचा हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे आशीर्वाद मुझे मिलना शुरू हो गया। इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, इतना लोगों का सम्मान मिल रहा है, तो धारी देवी की भूमि में अभी नवरात्रों का भी वक्त चल रहा है, तो आप सबको सबसे पहले तो आपके जितने भी श्रोता हैं और जो देख रहे हैं आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि पहाड़ों का चमकने का वक्त आ चुका है, जिस तरह से आप उत्तराखंड में भी देख रहे हैं विकास ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मुझे लगता है पहाड़ों का वक्त आ गया है कि पहाड़ी जो है देश के कोने कोने में जा कर के बसे हैं। अभी हम कितनी बार विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, मैं कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी में जाके रहता हूँ, कहीं भी जाके घूमता हूँ, कोई ना कोई मुझे अपने पहाड़ से उत्तराखंड से टकरा जाता है और इतने प्रेम से मिलता है। तो उससे जो बोलते हैं ना अपने जो घर का प्रेम होता है वो अपने घर का ही प्रेम होता है, तो वो देख करके मेरे दिल में बड़ी खुशी होती है कि देखिए पहाड़ी आदमी आज देश विदेश में जा कर के नाम रोशन कर रहा है। तो मैं यहाँ पर भी सब जितने अपने बच्चे हैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जड़ों से जुड़े रहें लेकिन आसमान की सोच रखनी चाहिए। पहाड़ी सॉन्ग को लेकर पहाड़ी ऐसे 3-4 गाने हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। पहाड़ी भाषा और पहाड़ी संगीत मेरा मानना है कि बहुत स्पेशल है और इसमें ऐसी क्वालिटीज़ है कि ये विदेश तक के जो हमारी बीट्स हैं, जो हमारी ताले हैं, वो विदेश तक अपना परचम जो है लहरा सकती है। जिस तरह से आप पंजाब में देख सकते हैं पंजाबी म्यूज़िक वर्ल्ड में कितना ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि उनकी बीट इतनी सुंदर है और वो इतना ज़्यादा जुड़े हैं अपनी जड़ों से, वही भावना और वही संगीत मुझे संगीत की भावना मुझे पहाड़ों में सुनने को मिलती है। तो मेरा मानना है कि पहाड़ी संगीत आने वाले टाइम में बहुत ऊंची छलांग लगाने वाला है और यहाँ के सारे कलाकारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेहनत करें और आगे बढ़ें। कंगना राणौत भी पड़ोस में लड़ रही है चुनाव, उनके लिए मैसेज किसके लिए? कंगना राणौत के लिए। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस लड़ने के लिए, पहली बार वो लड़ रही और एक एक्टर होकर के एक कलाकार होकर के राजनीति में आने का जो रास्ता है वो एक काफ़ी कठिन रास्ता होता है और वो मुझे लगता है। अनिल जी से मेरी मुलाकात बम्बई में हुई थी जिस वक्त वो कैंसर के लिए अपने ट्रीटमेंट करा रहे थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई एक यंग डायनेमिक लीडर को देख करके मुझे मैं काफ़ी प्रेरित भी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ उत्तराखंड से भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो अब आगे आकर के विकास की बात करने वाले हैं, आगे आकर के पहाड़ की बात करने वाले हैं, पहाड़ से प्रेम करने वाले हैं। और बस उस वक्त मैं उनसे जुड़ गया, उस वक्त मैं उनको फॉलो भी करने लगा कि किस तरह से करते हैं। मैंने देखा उन्होंने किस तरह से हर बार जिसे बोलते हैं ना पहाड़ी नाम को आगे अपने से आगे रखना उन्होंने करा, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह जिस तरह के अनिल जी हैं उस तरह से युवा और आए और राजनीति में आएँ और इस तरह से उत्तराखंड को आगे ले जाने की बात करें तो मैं इस बात के लिए हर तरह से सपोर्ट करूँगा।